तीखी मिर्ची खा गया भैया। देखो ना बाबा, दरवाजे पे कोई है, दरवाजा खोलो। चलो मम्मा, आपको पता है कल मेरी क्लास टीचर ने हिंदी में ऐसे लिखने के लिए टॉपिक दिया था। कौन सा? कि मैं बड़ा होकर कौन बनूंगा। तो क्या लिखा तुमने? मैंने इसमें लिखा कि मैं बड़ा होकर दरबान बनूंगा। दरबान? पागल हो क्या? और क्या बन सकता हूँ मैं, पूरा दिन दरवाजा खोलने में ही तो जाता है। बच्चे मेरे, देखो मैं काम कर रही हूँ ना, चलो जाओ। गो गो गो, बी ए गुड बाय गो। ज्यादा बोलने लगा ये बच्चा, बिल्कुल अपनी नानी पे गया। हाय बिट्टू। हाय। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आंटी बिट्टू नहीं है घर पे? अरे वो क्या कर रही है रिट्टू? बिट्टू ये क्या होलिया बना लिया, मुझे लगा नौकरानियां। हाँ हाँ, क्योंकि आजकल नौकरानियां भी तो सेठानियां बन गई हैं। अच्छा सुन ना, तेरी कोई सहेली है क्या जिसे जॉब की जरूरत है? हाँ है ना, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है मुनमुन। ये पोस्ट टेनो की है। हाँ तो मैंने कब कहा स्वीपर की है? मेरा मतलब है बॉस को गुड लुकिंग लड़की चाहिए। अरे पागल, देखना मैं कितनी गुड लुकिंग हूँ। अरे रिट्टू के हुलिये पर मत जा, मेरी बेटी जब मेकअप करके घर से निकलती है ना, तो सड़क पे लोग रुक जाते हैं उसे देखने। हाँ हाँ हाँ, खास करके तब जब इसकी मम्मी इसके साथ होती है। मतलब? भाई कंट्रास्ट में कोई भी चीज और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना। आप क्यों हमेशा औरतों की बातों में मुंह डालते रहते हैं? रिट्टू तुम खूबसूरत हो, लेकिन स्टेनो की पोस्ट के लिए नहीं। मुनमुन तू प्लीज ट्राई करना, मुझे पूरा यकीन है कि तेरा बॉस मुझे सिलेक्ट जरूर कर लेगा। हाँ वाह वाह वाह, काश तुमने ये कॉन्फिडेंस एक साल पहले दिखाया होता, तो फिर तुम्हारा रोहन रिंकू की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन मुनमुन, अगर मैं चाहूँ ना तो रोहन अब भी मेरी तरफ खिंचा सकता है। हाँ नाउ इट इज टू लेट। ओह रियली? शर्त लगाओगी? हाँ हाँ लगा लो शर्त। जाने दो ना दट्टू, फिलहाल ये नौकरी एक और वजह से तुम्हें सूट नहीं करेगी। अब कौन सी वजह? ये जो ऑफिस है ना, तुम्हारे रोहन के ऑफिस के ठीक सामने है। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है, अपने आप को प्रूव करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। मतलब? मतलब ये कि मैं गेटअप चेंज करके उसके सामने जाऊंगी। हाँ जा बेटी जा, तेरा गेटअप चेंज करने में मैं तेरी मदद करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? अरे भाई ये खूबसूरत दिखना चाहती है ना। रिंकू। वो क्या है रिंकू, मेरा परफ्यूम कहाँ है? ड्रेसिंग टेबल पे ढूंढ रहा हूँ, मिला ही नहीं मुझे। कौन सा वाला परफ्यूम? वही डार्लिंग जिसे सुनकर तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। राइट राइट, वो अब तुम नहीं लगा सकते। क्यों? कोई और लड़की अट्रैक्ट हो गई तो? हर लड़की का टेस्ट इतना बुरा थोड़ी होता है। नहीं नहीं डार्लिंग, मैं तो अपनी बात कर रहा था। तुम क्या बुरे हो? तो क्या तुम्हें अच्छा लगता हूँ? बहुत। इतना के मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हारी तरफ कोई लड़की अट्रैक्ट ना हो जाए। डोंट वरी डार्लिंग, इस जन्म का मेरा लड़कियों का कोटा पूरा हो चुका है। पक्का? पक्का बाबा। आखिर एक समझदार इंसान वही बेवकूफी कितनी बार कर सकता है? मतलब मुझसे शादी करके तुमने बेवकूफी की? नहीं नहीं डार्लिंग, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझ जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, अपनी किस्मत समझो। हाँ बाबा मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। ओके, लेकिन अब तो मुझे ऑफिस जाने दो, बाय। काश औरतों की तरह मर्दों के गले में भी मंगलसूत्र डाला जा सकता। उससे क्या होता? फिर तुम्हारी तरफ कोई भी औरत नहीं देखती। तुम्हें मंगलसूत्र बनियान के अंदर छुपा देता? बाबा, और मेरी तरफ देख के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि डार्लिंग अब मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की के बारे में सोचता तक नहीं हूँ। सच्चे? या ओफ आशा, कर क्या रही हो तुम, इरादा क्या है? सर मैं ये ब्लाइंड्स बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों, कहीं मेरी इज्जत पे हमला करने का तो इरादा नहीं है? नहीं सर, बल्कि आपकी इज्जत की रक्षा करने का इरादा है। क्या मतलब? मतलब ये कि सामने वाले ऑफिस में जो लड़की है ना, वो बार बार आपके कैबिन में झांक रही है। अच्छा देखूं तो? देखिए कौन है। हाँ तुम सच कह रही हो? बस सर ज्यादा मत देखिए अब। क्यों? क्योंकि उसकी नजर अच्छी नहीं है। अच्छा लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप तीसरी बार भी खाई में गिरे। खाई मतलब? खाई मतलब शादी। शादी कौन कर रहा है? शादी तुम कर रही हो? शादी तुम बाहर क्यों झांक रहे हो भाई? ऐसे ही टूटू। सर को खिड़की से दूर रखिए,
मैं भी कारपेंटर को बुला के आती हूँ। मेरे सर को कारपेंटर की क्या जरूरत हुई? ओह तू जानता है ना यार, पागल लड़की है वो, छोड़ ना। अरे रोहन, सामने वाले ऑफिस की कोई लड़की मुझसे फ्लर्ट कर रही है। ओए रो, वो तुझ पे नहीं मुझ पे डोरे डाल रही है। क्या बात कर रहे हैं? वो सामली सलोनी लड़की तुझ पे डोरे डाल रही है? सामली सलोनी लड़की? हाँ। अरे यार, अच्छी खासी गोरी लड़की है, सामली सलोनी बोल रहा है। किसी बातें कर रहे हैं यार? देख, सामली सलोनी है। तुझे देख के उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, मैं देखता हूँ। ले, इतनी अच्छी है यार गोरी चिट्टी, क्या बात कर रहा है तू? वही रोक, वही रोक। ओके, लेट्स चेक इट। देख, है कि नहीं गोरी? अरे सामली भी तो है। यार मतलब दोनों का काम बनेगा? तुम मिला हाथ, हमारा प्लान कामयाब हो गया। इससे ये साबित हो गया कि शादी के 5-10 साल बाद भी हम मर्दों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। रियली? लेकिन मुनमुन, सोचने वाली बात ये है कि जिनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो हमारे हस्बैंड ही हैं। तो क्या हुआ, इससे ये भी साबित हो जाता है कि हमारे पतियों की चॉइस अच्छी है। और इससे ये भी तो साबित हो जाता है कि हमारे पति लंप। उस औरत की नजर ने तो मुझे घायल कर दिया है रोहन। अच्छा, अगर मुनमुन को इस बात का पता चला ना टुटुन, तो तेरे ऑलरेडी घायल दिल को मार मार के इतना घायल कर देगी वो कि तुझे पेस मेकर बिठाने की जरूरत पड़ेगी, समझा ना? परवाह नहीं। लेकिन एक बात बता, क्या तुझे उस काली वाली में कोई इंटरेस्ट तो नहीं? अरे यार, मुझे ना काली वाली में इंटरेस्ट है ना गोरी वाले में, समझा ना? और तुम्हें मेरा इंटरेस्ट काफी पहले खत्म हो चुका है। क्या हुआ? जरा स्टाइल तो देखो। यार टुटुन, अब तो गोरी वाली के नखरों से मैं भी घायल हो रहा हूँ रे। पेसमेकर, पेसमेकर, परवाह नहीं। बेटा, जरा ये कार्ड लेके वो जो गोरी वाली मैडम बैठी है ना, उन्हें दे देना। एक मिनट रुको, ये मेरा कार्ड भी काली वाली का। आप में से गोरी कौन सी है? आपके लिए। मुनमुन, मुझे तो रोना आ रहा है और बेचारी रिंकू पर तरस भी। यही याद है? तो चले गए। लेकिन पता है रोहन ने मुझे कार्ड क्यों दिया? ताकि मैं उसे फोन कर सकूं। मत करना, बिल्कुल मत करना। मैं तो करूंगी, जरूर करूंगी। मैं भी यही चाहती थी। हेलो। हेलो, यस, मे आई टॉक टू मिस्टर रोहन प्लीज? कौन बोल रहा है? इट्स ऑलराइट, आई विल गिव हिम कॉल इन द मॉर्निंग। बाय बाय। हेलो, हेलो, हेलो। रिंकू, किसका फोन है? किसी लड़की का फोन है। अरे लड़की, इतनी रात भी किस लड़की ने फोन किया होगा? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये लड़की कौन है? रितु का फोन होगा यार। नहीं, रितु नहीं हो सकती, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हेलो, तुम बात करो। हेलो। इतने प्यार से तो कभी मुझे हेलो नहीं बोला। हेलो, हाँ
रोनिया, हू स्पीकिंग? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपके ऑफिस के सामने वाले ऑफिस में काम करती हूँ। आप है वो मिस्टर मिर चंदानी? आप है? कमाल हो गया मिस्टर मिर चंदानी, मेरी वाइफ को लगा कि कोई औरत का फोन है। Are you alright, Mr. Rohan? Yeah, yeah, perfectly okay. In fact, I'm very happy, Mr. Mirchandani. Listen, I'm not Mr. Mirchandani. I am Miss Urvashi. Goodbye. Hello, hello. अरे आपने पोपो? हाँ हाँ, Mr. Mirchandani. ये कोई time है किसी के घर phone करने का? अभी बाहर थोड़ा decent time पे phone कीजिए और कल office में आ जाइए quotations लेके. क्या कर रहा है? बताओ, कल रात को ना मुझे रम्बा का फोन आया था। मुझे मेरी बात बताओ। क्या? कल रात मुझे उर्वशी का फोन आया था। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी मत जा, अभी मत जा, क्योंकि आज सुबह से दोनों औरतें खिड़की पे नहीं आई यार। नहीं ना, क्यों? एक मिनट रुक रुक। ओहो, क्या हुआ? क्या हुआ? उर्वशी का ऐसे वैसा आया? अच्छा, अच्छा। आज शाम को क्या कर रहे हो? आज शाम को तो मैं बहुत बिजी हूँ, मीटिंग है मेरी। अरे ये एसएमएस उर्वशी ने मेरे लिए भेजा है। मेरे लिए क्यों नहीं आया एसएमएस? उर्वशी तुझे एसएमएस क्यों भेजेगी रे? नहीं, बात तो भेज सकती है ना। भेज सकती है, क्यों नहीं आया? वो तू देख, हाँ देख, अटक गया होगा कहीं। मेरे लिए क्यों नहीं आया? तू यार मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे रिप्लाई करने दे। मिस्टर अरुण का? हाँ, लिखा है कि मैं तो फ्री हूँ, व्हाई डोंट वी मीट अप? ओह माय गॉड, मेरा दिल धड़क रहा है। अरे मैसेज करना कि तू भी फ्री है, चल चल। नहीं बाबा नहीं, कहीं उस रिंकू को पता चल गया तो? उसे कैसे पता चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो उसमें तेरी जीत है। मेरी? हाँ, कैसे? देख, तू रिंकू को कॉम्प्लेक्स दे सकती है कि तू उससे कम नहीं, और तू जब भी चाहे रोहन को वापस अपने पास खींच सकती है। यस, ओके। मैडम जी, आपको बॉस ने बुलाया है। बॉस ने? ओके, तुम चलो, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस। आपने मुझे बुलाया? ऑफ कोर्स, मुझे एक डिक्टेशन देना है जरूरी। श्योर सर, प्लीज टेक डाउन। यस सर, वन मोमेंट। Yes, sir. लिखो। With reference to your letter number so and so, detect so and so, about so and so. About so and so. आज शाम को क्या कर रही हो? आज शाम को क्या कर रही हो? ये नहीं लिखना है। मैंने तुमसे पूछा आज शाम को क्या कर रही हो? वो सर। अच्छा अच्छा, एक एक बात बताओ, तुम्हारे कार में कौन कौन है? सर, मुझे याद आया कि मुझे फोन करना है घर पे। एक्सक्यूज मी, मुनमुन। ओह गॉड, मुनमुन। गोपाल, क्या उसी? मैडम, ये मुनमुन कहाँ है? मुनमुन कौन? मुनमुन आई मीन वो रंभा कहाँ है? अच्छा अच्छा, वो अभी भी किसी आदमी के साथ चली गई। आदमी के साथ चली गई? कौन आदमी? वो सामने के ऑफिस में काम करने वाला कोई आदमी था, टुटून नाम था। टुटून? ओए आजा आजा, टुटून कैसा है? ओ, ये क्या हो गया? तेरी आंख को क्या हो गया? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बता, रिंकू तो नहीं है ना घर में? हाँ है, अपनी सहेली के साथ फोन पे बातें कर रही है। उससे कहना थोड़ी देर फोन पर और लगी रहे। अगर मैं ऐसा कहा ना तो वो तुरंत फोन रख देगी। क्यों? क्योंकि यार आजकल की औरत जो है वही करती है जो उसका पति नहीं चाहता। अरे हाँ यार, कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा? हाँ यार, इधर आ, इधर आ, इधर। क्या हुआ? रिंकू अंदर है। बोल बोल। मुझे बता यार, कल तू रंभा से मिलने गया था ना, क्या हुआ यार? ओए टुटून, तूने तो फोन भी नहीं किया। अरे क्या करता फोन करके, वो रंभा नहीं जगदम्बा निकली। मतलब? मतलब ये कि मैं उसे लेकर रेस्टोरेंट गया, टैक्सी में बिठाकर स्पेशल रूम में। वाह बेटा वाह, स्पेशल रूम, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ही दिन में काफी तरक्की कर ली। हाँ वो तरक्की दिख रही है ना यहाँ, ये देखो। मतलब? मतलब ये कि वो रंभा नहीं, मेरी बीवी निकली। है? क्या कह रहा है यार तू? मतलब वो मुनमुन थी? तू भी कभी उस गोरी के चक्करों में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि वो गोरी उर्वशी नहीं है। तो कौन है?
क्या कर रहे हैं? जा रहा हूँ, ऐसे पूछ पूछाता है। रिट्टू भाभी, रिट्टू वो रिट्टू थी यार। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बता, रिट्टू ने ये सब किया क्यों? क्योंकि उसने मुनमुन से कहा था कि वो अगर अब भी ठान ले तो तुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। यार इतनी फालतू बात के लिए उसने अपना हुलिया चेंज किया। लेकिन बच के रहना, रिट्टू को फोन वोन मत करना। नहीं टुटुल, अब तो मैं उसे जरूर फोन करूंगा। क्यों? क्योंकि यार मैं उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहता हूँ कि वो आज भी अट्रैक्टिव है। फिर तो यार तेरी भी एक आग काली होने वाली है। अरे छोड़ छोड़, मैं सब देख लूंगा, समझा ना। लेकिन तुम मुन्मुन को ये मत बताना कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। ओके ओके। और मैं मेरे उर्वशी को होटल ग्रैंड अफेयर्स में शाम को कैंडल लाइट डिनर पर आने का SMS करता हूँ। यस। मुन्मुन, रोहन तो है ही नहीं। पता है शादी से पहले ना एक एक घंटा पहले आके वो वेट करता था। शायद दो दो शादी के बाद आदमी का हौसला कम हो जाता है पराई औरत से मिलने का। मुन्मुन, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आदमी को हम छूट दे दे, उसे आजादी दे दे, तो वो आपको गुलाम बन जाता है। कल मैंने टुटुन को गुलाम बना दिया था। क्यों किया? अरे घर जाके 5 कोड़े लगाए मैंने उसे पढ़ाई औरत पे डोले डालने के लिए। मुन्मुन, कहीं उसे ये तो नहीं बता दिया कि मैं रिट्टू हूँ? नहीं, मैंने नहीं बताया। मुन्मुन, एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। क्या है ना कि अगर आदमी से पहले आके यहाँ पे वेट करेंगे ना तो हमारा वेटेज कम हो जाएगा, है ना? चलो 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 चल चल चल। हेलो रोहन। ओह हाय हाय उर्वशी। I'm so sorry, I'm a bit late. No problem. उर्वशी, you look fantastic. Oh really? Thank you. कहिए क्या खाएंगी आप? Well, जो आप खिलाएंगे। अच्छा, तो फिर कश्मीरी पुलाव मंगाते हैं। कश्मीरी पुलाव? जी, कश्मीरी पुलाव मेरी वाइफ रितु को बहुत पसंद है। Oh, well, in that case, तो फिर I'll have a chicken biryani. Oh, okay, whatever you say. Beta, yes, sir. Are you sure? Chicken biryani? Yeah, chicken biryani. Okay, एक chicken biryani, please. Why एक चिकन बिरयानी? आप नहीं खाएंगे? जी नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। दरअसल मेरी वाइफ मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी, तो मैं खाना वाइफ के साथ ही खाऊंगा। ओफो, तब से वाइफ वाइफ वाइफ, व्हाई डू टॉक अबाउट योर वाइफ सो मच? आप अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं? उर्वशी, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, मेरी वाइफ को कैंडल लाइट डिनर सिर्फ एक ही सूरत में नसीब होता है। रियली? कब? जब बिजली गुल हो जाती है तब। ओह, ओह माय गॉड। क्या हुआ आपको? एक्सक्यूज मी, मेरे को लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया। डिस्पाइट वेयरिंग अ चश्मा। या बट आर यू ऑलराइट? या या। ओके। क्या हुआ, तू यहाँ क्यों चली आई? मुन्मुन, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तू जाना, वापस जा, वो वेट कर रहा होगा। तू जा, मैं चलती हूँ, बाय। ओके। यार टुटुल, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो गया है। हाँ। ओ स्वीट लेडी। हेलो मिस्टर कपूर, आप यहाँ पर? मैं कैंडल लाइट डिनर के लिए पार्टनर तलाश कर रहा हूँ। मिस्टर कपूर, शी हैज ऑलरेडी गॉट अ पार्टनर। ओके। रोहन जी, वो हमारे सामने वाले ऑफिस का असिस्टेंट मैनेजर। हाँ जी, मैं ही हूँ। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे प्लीज? क्यों ले जाऊँ तशरीफ, तेरे प्यो का होटल है। क्या? मेरे कहने का मतलब है यार, तेरे पास तो ऑलरेडी दो दो बीवियाँ हैं, मैं तो अभी तक बैचलर हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अभी का अभी उर्वशी को प्रपोज करता हूँ। जाने दीजिए। कैसे कैसे जाने तू, कैसे जाने तू? बी माय वाइफ। जी मिस्टर कपूर, शी इज ऑलरेडी अ वाइफ ऑफ समबडी। विच बडी? किसकी वाइफ है? मेरी। व्हाट यू मीन, तीसरी? जी नहीं, तीसरी नहीं, ये मेरी पहली वाइफ है। पहली है? तुम हटो यहाँ से, इस आदमी से दूर रहो तुम। एक्सक्यूज मी रोहन, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। यस। हाँ जी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। रितु, नाटक बहुत हो गया।
बहुत हो गया नाटक समझी तुम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन यार रितु तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी डार्लिंग? देखो डार्लिंग तुम आज भी बहुत खूबसूरत लगती हो। हाँ आज भी तुम मुझे अट्रैक्ट कर सकती हो डार्लिंग। Really? Yeah. मुझसे शादी हुई एक साल भी नहीं हुआ और तुम एक पढ़ाई और उनके साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो। अरे डार्लिंग ये पढ़ाई नहीं है, ये तो मेरी है। कमाल है, हर खूबसूरत औरत तेरी है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए मैं एक्चुअली उर्वशी नहीं हूँ, मैं तो रितु हूँ। तो ये मैडम अपना हुलिया चेंज करके तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। मिस्टर कपूर आप इस डायन को यहाँ से ले जाइए और मैं रोहन को ले जाती हूँ। मिस्टर कपूर आई हैव अ बेटर आइडिया, आप इस चुड़ैल को ले जाइए क्योंकि रोहन तो ऑलरेडी मेरा है। एक मिनट, आई हैव अ बेटर आइडिया। हाँ जी, मैं इन दोनों को ले जाता हूँ।